सबसे पहले बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं लखनऊ से खबर, जहां पर आज यूपी में आए हैं कोरोना के 9,595 केसेस। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से 37 लोगों की मौत भी हो गई है। लखनऊ में कोरोना के 2,934 नए मामले आ चुके हैं। कानपुर में कोरोना के 522 नए मामले आए सामने। प्रयागराज में 1,016, वाराणसी में कोरोना से 845 नए मामले सामने आ चुके हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है। आप समझ सकते हैं किस रफ्तार के साथ कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आप ये देखिए, लगातार प्रशासन सरकार कोशिश कर रहा है अपने स्तर पर कि रोकथाम हो सके कोरोना की, लेकिन लोग जब तक साथ नहीं देंगे इस लड़ाई में जंग नहीं जीती जा सकती है। लखनऊ में कोरोना के कितने मामले हैं, अलग अलग जिले के जिलेवार तरीके से आपको आंकड़े बता रहे हैं। कानपुर में कोरोना के 522 नए मामले आ चुके हैं सामने। खबर लखनऊ से, जहां पर योगी सरकार मनाएगी टीका उत्सव कार्यक्रम। यूपी में बता दें 11 से 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा टीका उत्सव। कल स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी टीका उत्सव की ट्रेनिंग। कल सिर्फ मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ही होगा टीकाकरण। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि लखनऊ में योगी सरकार अब टीका उत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार का एक बड़ा आदेश सामने आ चुका है। सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में 50% कर्मचारियों को ही बुलाने के आदेश हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर नगर के लिए ये आदेश जारी हुए हैं। ये इस वक्त की बेहद ही अहम जानकारी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार का ये कड़ा और बड़ा आदेश है। सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में 50% कर्मचारी को ही बुलाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर के लिए एक बड़ा आदेश जारी। प्रदेश में कोरोना के केसेस काफी ज्यादा बढ़ने लग गए हैं, जिसको लेकर सरकार ने एक बड़ा आदेश दिया है। सरकारी निजी प्रतिष्ठानों में 50% कर्मचारियों को ही बुलाने के आदेश हैं। 50% ही कर्मचारी आए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर संस्थानों में ज्यादा भीड़ हो जाती है, इसके मद्देनजर भी काफी ज्यादा लड़ाई कमजोर हो जाती है कोरोना के प्रति लड़ाई में। आपको बता दें कि सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों के लिए बड़ा आदेश जारी किया गया है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर के लिए कड़ा आदेश। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और बार बार यही कहा जा रहा है कि मास्क बेहद ही अनिवार्य है, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए अगर आप काम पर हैं, साथ ही आप अपने आप को सैनिटाइज रखिए, हैंड जरूर सैनिटाइज करते रहिए, इसके साथ ही मास्क लगाकर काम करिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तब भी आप मास्क लगाकर रखिए। दिल्ली में तो ये भी आदेश जारी हो चुका है कि अगर आप गाड़ी में अकेले भी ड्राइव कर रहे हैं तो भी आपके लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा, इसका पालन लोग करें। ये भी लगातार प्रशासन निगरानी बरतता हुआ इस पर नजर आ रहा है। जिन 4 जनपदों में अभी बहुत ज्यादा संक्रमण देखने को मिल रहा है, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर नगर, वहां पर सभी कार्यालय 50% की ही स्ट्रेंथ से कार्य करेंगे, बाकी के लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और इसमें भी जो लोग कार्यालय में काम करेंगे उसमें रोटेशन सिस्टम लगाया जाएगा। सरकारी कार्यालयों पर भी ये लागू होगा और निजी कार्यालयों पर भी ये लागू होगा इन 4 जनपदों में। काफी ज्यादा बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। रफ्तार जिस गति के साथ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वो काफी ज्यादा चिंता का विषय है। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि हम इसके लिए कितना ज्यादा तैयार हैं, हम आखिर कब सजग होंगे, जागरूक होंगे, हम कोरोना के प्रति लड़ाई में कब अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे, क्योंकि कई बार देखने को मिल रहा है लोग बेवजह मार्केट में घूम रहे हैं। जो भीड़ देखने को मिल रही है वो यही बताती है कि हम बिल्कुल भी सजग नजर नहीं आ रहे कोरोना के प्रति। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर विशाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ गया है। विशाल, जिस रफ्तार के साथ कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं वो चिंता का सबब आम जनता के लिए भी है, सरकार प्रशासन के लिए भी है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, जिस रफ्तार के साथ कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उसमें हम कितने तैयार हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि लगातार मामले बढ़ने से सीधे तौर पर
असर पड़ रहा है और यही वजह है कि राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो आज करीब करीब 3000 केस पहुंच गए हैं बीते 24 घंटे में। मतलब साफ है कि जिस तरह से तेजी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे अस्पतालों में बेडों की कमी हो रही है और उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण इस कदर तेज हो चुका है कि चाहे प्रयागराज हो, वाराणसी हो, लखनऊ हो, तमाम जगहों पर स्थितियां अब काबू से बाहर हो चुकी हैं। लखनऊ में हालांकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक करके दो हॉस्पिटल्स को सीधे तौर पर कोविड हॉस्पिटल जरूर घोषित कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम ऐसे मरीज हैं जो अभी भी फिलहाल घरों में ही हैं, आइसोलेशन में हैं, तमाम जगहों पर ऑक्सीजन की कमी है और इसके बाद भी लोग शायद सतर्क नहीं होना चाहते हैं। अभी भी सड़कों पर जो भीड़ दिखाई पड़ रही है वो बता रही है कि लोग जितनी ज़्यादा असावधानी बरतेंगे उतना ही ये संक्रमण जो है फैलेगा और जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। परसों जो आंकड़े 1333 से हुआ करते थे कल वो आंकड़े तब्दील होकर 2400 के करीब पहुंच गए और आज वही आंकड़े करीब 3000 तक पहुंच चुके हैं। मतलब अगर अभी नहीं सुधरे तो ये आंकड़े लगातार बढ़ेंगे और कोरोना की जो दूसरी वेव है इसको लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया गया था कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से इसको लेकर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन लापरवाही आम लोगों की अब भारी पड़ती हुई जा रही है और 3000 के आसपास करीब केस पहुंच चुके हैं। जी नवीन का रुख कर लेते हैं। नवीन, क्योंकि मुख्यमंत्री का आज अहम दौरा और इसके साथ ही समीक्षा भी लगातार उनके द्वारा की जा रही है, किस तरह की तैयारियां, कैसी परिस्थिति है, अस्पतालों में कैसी व्यवस्था है, वाराणसी के क्या हालात हैं? नवीन आप सुन पा रहे हैं? नवीन से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे संपर्क साधने के। एक बार फिर से प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। गुफरान मोहम्मद गुफरान वहां से रिपोर्टर हमारे बने हुए हैं। मोहम्मद गुफरान, वहां पर किस तरह के हालात है प्रयागराज में, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं बताया जा रहा है कि टीकाकरण में भी काफी दिक्कतें हो रही है, टीके अब कम पड़ने लग गए हैं, वैक्सीन अब कम पड़ने लगे, ये भी जानकारी मिल रही है क्या? देखिए बिल्कुल, जो मौजूदा समय के अगर हालात की बात करें खास करके प्रयागराज की, तो हालात जो हैं बेहद खराब हैं। कोविड के जो मामले हैं जिस तरीके से लगातार पिछले 4 दिनों से 1000 के आसपास का जो आंकड़ा है वो क्रॉस हो रहा है, ऐसे में हालात जो हैं बेहद एक तरीके से खतरनाक स्थिति में है। प्रशासनिक अमले की तरफ से, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, तमाम कवायदें की जा रही हैं लोगों को मास्क से लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने को लेकर, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे जगहों पर देखा जा रहा है कि लोग हैं वो एक तरीके से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। साफ तौर पर कई मौकों पर ऐसा भी देखने को मिला है जब प्रशासनिक अमले ने कार्रवाई भी की है, लोगों को एक तरीके से जागरूक भी किया है। तमाम जो प्रशासनिक अमले की तरफ से कोशिशें हैं वो एक तरीके से की जा रही हैं। वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसे हालात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, संख्या जिस तरीके से 1000 के ऊपर जा रही है और एक तरीके से 45 के आसपास के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाना है, तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अभी जिस तरीके के हालात हैं वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि 1000 का आंकड़ा क्रॉस होना, नए मरीज आ रहे हैं हर दिन सामने, कई लगभग 4 से 5 के आसपास की मौत का जो रेशियो है ये एक तरीके से चिंता का सबब है। लोग कहीं ना कहीं से जिम्मेदारी जो उनकी अपनी है खास करके नियमों का एक तरीके से पालन करने का वो लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज मोहम्मद ये भी है कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जिनको टीका लगा रहे हैं, जिनको इलाज करना है, वो भी सुरक्षित रहें, ये भी प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए इसको लेकर के शुरुआत से ही खास करके सरकार की तरफ से इस पर काफी काम किया गया है, पुराना चाहे वो डॉक्टर्स हो या फिर पुलिस महकमे के लोग हो या प्रशासनिक, तमाम लोगों के लिए तमाम कवायदे जो है सरकार की तरफ से की जा रही हैं अभी भी, लेकिन जरूरत है क्योंकि हालात जो है बहुत अच्छे नहीं है। प्रयागराज की अगर बात करें तो जो 1000 का जो आंकड़ा है उसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो सरकारी महकमे से शामिल है खास करके। ठीक है, आपके पास पहुंचेंगे, वाराणसी का रुख कर लेते हैं क्योंकि नवीन वहां से हमारे रिपोर्टर बने हैं। नवीन, अहम दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, समीक्षा भी आज उनके द्वारा की गई अधिकारियों के साथ, किस तरह के हालात COVID-19 को लेकर है, कैसी व्यवस्था अस्पतालों में है, क्या कुछ जानकारी, क्या हालात है वाराणसी के कोरोना के मद्देनजर? जी बिल्कुल, वाराणसी में लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। अगर आज की बात की जाए तो आज वाराणसी में 929 मामले वाराणसी में आए हैं, जो मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी वाराणसी में हो रही है। टोटल अगर मरीजों की संख्या की बात की जाए तो वाराणसी में 4404 टोटल एक्टिव केस अभी तक आ गए हैं और आज 2 लोगों की मौत भी वाराणसी में हुई है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री
का आज अहम दौरा था वाराणसी में। अधिकारियों, स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस में बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ आदेश दिया कि जो 2020 में जिस तरह की अस्पतालों में सुविधाएं थी वो सुविधाओं को बहाल किया जाए, किसी तरह से कोई कोताही ना की जाए, जो भी मरीज आ रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट टेस्टिंग की जाए और अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करने का मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। इसके साथ साथ लोगों की लापरवाही जिस तरह से सड़क पर देखने को मिल रही है, लोग बड़ी संख्या में बेवजह घरों के बाहर निकल रहे हैं और इसके साथ ही बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस की अवहेलना करते हुए देखने को मिल रहे हैं, उस पर भी सख्ती से पालन किया जाए, उस पर प्रशासनिक सख्ती दिखाई जाए, क्योंकि प्रशासन की सख्ती फिलहाल सड़क पर नहीं देखने को मिल रही है। इस वजह से जो लोग साथ नहीं देंगे तब तक इसकी रोकथाम नहीं हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। निश्चित तौर पर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। आज अहम दौरा वाराणसी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी था। उन्होंने अधिकारियों के साथ कोविड-19